आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। है क्वेश्चन है, टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर ड्रॉन फॉर योर रेफरेंस। आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर, दो मॉलिक्यूल्स हैं नीचे, ठीक है, और इनमें आपको दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है। एक साइड हमारे पास ए बी का है, दूसरा साइड हमारे पास सी और डी का है, और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके लिए हमको निकालना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं पहले। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेट वन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये आपके पास इन दोनों में हम चेक करेंगे क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या नहीं है। देखिए, आपने जो ओरिएंटेशन चेंज किया, यहाँ पे NH3 यहाँ है, NH3 यहाँ है, NH3 यहाँ है, पर इसमें NH3 है और यहाँ पे NH3 यहाँ पे है। आपने स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया है? आपने स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे जो NH3 था वो पहले भी जुड़ा हुआ था CO से, अभी भी जुड़ा हुआ है CO से। आपने बस क्या चेंज किया है, आपने स्पेशल है ना, स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है, उसकी वजह से दो NH3 के बीच का डिस्टेंस बदल गया है, ठीक है। तो इस तरह की जो आइसोमर्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, स्ट्रक्चरल नहीं बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होगा, कंपाउंड की स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी आपकी पूरी, पर यहाँ पे अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है, वो भी 3D अरेंजमेंट में, स्पेशल अरेंजमेंट आपको यहाँ पे चेंज मिल रहा है, ठीक है। आपने बस एक ग्रुप को, एक लिगेंड को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर लगा दिया है, बस जुड़ा हुआ है वो CO से ही है अभी भी, इधर भी और इधर भी। तो इस तरह के हम लोग जो आइसोमर्स को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स ही काउंट होगा, ज्योमेट्रिकल क्या होता है हमारा, स्टीरियो आइसोमर्स में काउंट होता है, स्ट्रक्चरल नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, स्ट्रक्चरल नहीं है, ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो ये हमारा गलत, हमको चेक करना है करेक्ट कौन सा है। फिर सेकंड है, एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल इन सेट वन कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग को चेक करना है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है कि या फिर नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए, ये जो आपके पास कंपाउंड बना है ये ऑक्टाइडल है, क्योंकि इसके पास 6 लिगेंड है। ये कंपाउंड पे हमारे पास ऑक्टाइडल है, जो कि इसके पास 6 लिगेंड है, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है वो चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा प्लेनोसिमेट्री है या नहीं। चलिए वो चेक करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट कंपाउंड आपके पास है जिसमें तीन NH3 एक साथ आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फेशियल। ये देखते हैं पहले इसके पास प्लेनोसिमेट्री है या नहीं है। एक क्यूब में दिखा रहा हूँ मैं कंपाउंड को, प्लेनोसिमेट्री ऑब्जर्व करना इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 है और यहाँ NH3 है, क्योंकि एक फेस पे आ रहा है पूरा, और NO2 यहाँ पे है, NO2 यहाँ पे है और NO2 हमारा यहाँ पे है, इस तरह हम दिया हुआ है, और मेटल हमारे पास बीच में है CO, इस तरह का ये कंपाउंड दिखाई देगा, ठीक है। जो सेकंड कंपाउंड है हमारे पास, उस वो हमारा मेरिडोनल है, क्योंकि उसमें जो NH3 है वो दो सामने सामने दिए हुए हैं। वो देखने के लिए वो इस तरह का आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ NH3 लगा हुआ है और नीचे NH3 लगा हुआ है। एक NH3 सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ NO2 हो गया, यहाँ NO2 हो गया और यहाँ पे NO2 हो गया, ठीक है। इस तरह आपका दूसरा कंपाउंड है। अब इनमें से किसी के पास भी अगर ऑप्टिकल, हमको चेक करना है कि इनमें से कोई भी एक अगर ऑप्टिकल एक्टिव हो गया तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग इससे, थोड़ा इसको चेक करना ईजी है, क्योंकि आप देखते हो ऊपर NH3 नीचे NH3 है, राइट। अगर मैं इस कंपाउंड को इस प्लेन के अलोंग काट दूँ, क्योंकि ये जो आपके पास चार ग्रुप दिखा रहे हैं वो एक ही प्लेन में है, तो इनको इस प्लेन में काटना ईजी है। तो यहाँ पे ऐसे काटोगे तो आधा NH3 ऊपर, आधा NH3 नीचे कट जाएगा, NO2 ऊपर, NO2 नीचे कट जाएगा। मैं काट रहा हूँ, ये मान लीजिए X है, Y है, ये जेड एक्सिस है, तो मैं काट रहा हूँ उसको एक्स वाई प्लेन में, तो इजीली कट जाएगा। NH3 नीचे ऊपर सेम है, तो उसका मतलब कंपाउंड के पास प्लेनोसिमेट्री है। अगर प्लेनोसिमेट्री है तो कंपाउंड क्या हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये इधर आते हैं, इधर इस कंपाउंड को काटने के लिए आपको चेक करना है कि इस कंपाउंड के पास क्या प्लेनोसिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। देखिए वो चेक कर लेते हैं, ये चेक करना इजी है। आप इसको किस तरह से काटोगे, हम काटेंगे इसको डायगोनली, है ना, फेस डायगोनल से काटेंगे। मैं इसको इस प्लेन में काट रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से काटा, इसमें और इस प्लेन में। तो इससे क्या होगा, NH3 ऐसे कटेगा, NH3 ऐसे कटेगा, आधा आधा, है ना, ये उधर चलेगा, इधर जा जाएगा, तो मेरा इमेज बन जाएगा NO2 पे, आधा आधा कट जाएगा। अब ये प्लेन इसके एकदम बीच से पास होगा इस तरह से, NH3 यहाँ है, NH3 यहाँ है, सेम डिस्टेंस पे है, मेरा इमेज बन रहा है, NO2 यहाँ है, NO2 यहाँ है, मिरर इमेज बन रहा है। तो ये कंपाउंड भी क्या है, इसके पास भी क्या, प्लेनोसिमेट्री है। अगर प्लेनोसिमेट्री है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली
इनएक्टिव हो जाएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो स्टेटमेंट टू हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं। ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट फेशियल एंड बी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट मैकडॉनल्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म MA3B3। ये सही हो सकता है क्योंकि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स ए है उसमें जो NH3 है हमारे पास यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो NH3 आपके पास ये रहा और ये रहा, तो ये एक फेस पे आ रहे हैं पूरा, इसको बोलते हैं लोग फेशियल। और अगर NH3 से सामने सामने आ गया तो उसको बोलते हैं लोग मेरिडोनल, तो ये फेशियल है और ये मेरिडोनल है। ठीक है, तो ये फेस शॉर्ट फॉर्म होगा इसका FSC, इसका होगा MER, तो ये फेशियल और ये मेरिडोनल शो कर रहा है। ये सही स्टेटमेंट है हमारे पास, मॉलिक्यूल ए रिप्रेजेंट फेशियल एंड बी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट मेरिडोनल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, MA3B3 टाइप का है मेटल और तीन लिगेंड सेम, और तीन लिगेंड सेम वो हमारे पास होता है फेशियल मेरिडोनल शेप। ठीक है, फेशियल एंड मेरिडोनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो कर रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट सही है। फोर्थ चेक कर लेते हैं। सेट टू मॉलिक्यूल्स हैव वन मोर स्टीरियोसोमर्स विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम लोग बात कर रहे हैं इन दोनों में से अभी, अभी ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने ये बोला कि इनके पास एक और आइसोमर्स है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें सीएल के हमने सीएल ले चुके हैं ऑलरेडी और सीएल थर्ड में आ चुका है, इसके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बनाने के लिए कि सीएल के पास और कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि इनके पास सीएल के पास केवल दो ही पोजीशन है, या तो ट्रांस पर आएगी दूसरे की या फिर वो सिक्स पर आ जाएगा बस। ठीक है, इनका और कोई पॉसिबल नहीं है आइसोमर्स, इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट है। इसके पास कोई आइसोमर्स नहीं है, केवल दो ही ज्योमेट्री पॉसिबल हैं, एक सिस और एक ट्रांस, ये ट्रांस पे आ रहा है और ये सिस पे आ रहा है, इसके अलावा कोई इसका और नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि ई एन में यहाँ पे क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, इधर भी तो यहाँ पे आप देखोगे तो ई एन दो रिंग बनाएंगे और दो सेल बचेंगे, या तो आएंगे ट्रांस पे या आएंगे सिस पे, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो ये सब हमारा गलत हो गया, इनके पास एक और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।